मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की, जहां मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा 3 दिवसीय राजस्थान डिजिफेस्ट एवं जॉब फेयर के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम गहलोत ने जोधपुर वासियों को कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री जोधपुर और पाली के स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ करते नजर आए। वहीं जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया और इसका अस्थायी भवन में कार्य प्रारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का स्मरण किया और कहा कि राजीव गांधी की आईटी क्षेत्र की विकासशील सोच से मिली प्रेरणा की बदौलत आज राजस्थान ने आईटी जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे प्रदेश के युवाओं में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जुनून है। ऐसे में सरकार का यही प्रयास है कि नवाचारों को, युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक माहौल देकर सही दिशा प्रदान करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंक्यूबेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया। तमाम अहम सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई और निश्चित तौर पर जोधपुर वासियों में इसको लेकर के खुशी का माहौल भी है, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर यहां पर है और ये समझिए और साथ ही जो यहां पर टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, जॉब फेयर का आयोजन है, तो एक और तो बेरोजगारी को कम करने की कोशिश, तो वही दूसरी ओर युवाओं को रोजगार प्रदान करने की कोशिश। और राजीव गांधी ने जो सपना देखा था उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साकार कर रहे हैं। यही वजह कि राजस्थान में इस तरीके से टेक्नोलॉजी सेंटर्स का आगाज हो रहा है और साथ ही कोशिश और कवायद यही है कि आम आवाम को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो कोविड के दौरान भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी साधना के तौर पर या कहें कि साधन के तौर पर नजर आई, जिसके माध्यम से कई परेशानियों का हल निकला। जो मीटिंग सामने सामने बैठकर होती थी टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो वीसीस के माध्यम से हो पाई, मंत्रणाओं का दौर देखा गया। तो वहीं कई डॉक्टर्स भी ऐसे थे जो वीसीस के माध्यम से उपचार को लेकर के आगे सरकार को भी दिशा निर्देश दे रहे थे कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं जिनके माध्यम से समझा गया कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जब आज संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वर्तमान समय में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, तो वही प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से समावेशित करके रोजगार की समस्या का निदान किया जा सकता है। तो वहीं वीसीस का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि कोरोना काल में 500 वीसी की यानी कि 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई हैं। तो आज का दिन जोधपुर वासियों के लिए बेहद खास सौगातों का दिन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित भी किया और इस संबोधन का इंतजार भी किया जा रहा था कि क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए कि करके तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा कार्यक्रम था उसका स्केड्यूल क्या रहा, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज का ये दिन सौगातों भरा दिन जोधपुर के लिए क्यों रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा रहती है कि जब भी वो जोधपुर के क्षेत्र के दौरे पर रहें तो वहाँ पर जो विकास कार्य जारी हैं उनके बारे में जानकारी वो जुटाएं, विकास कार्यों का निरीक्षण करें। तो वहीं दूसरी ओर जब इस तरीके से विकास की तमाम मॉडल्स तैयार होते हैं, जब इस तरीके से यहाँ पर नए सेंटर्स का आगाज होता है, तो वो खुद पहुँचते हैं, आम आवाम को ये सौगातें देते हैं। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में ये बयां कर रही है कि कितने ज़्यादा उत्साहित वो खुद इन सौगातों को लेकर के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका सपना भी यही है कि राजस्थान की जनता को कोई दिक्कत ना हो। यही वजह कि राजस्थान का मॉडल कोरोना काल में बेहतर मॉडल बना और उसके बाद अब उनका ये प्रयास है कि कोरोना की चुनौती को तो हमने पार कर लिया है पर पोस्ट कोविड जो समस्याएं लोगों के समक्ष है, क्योंकि कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था हमने देखी किस तरीके से बेपटरी हो चली, तो अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार किस तरीके से मुहैया कराया जाए और जो नई पीढ़ी है वो आने वाले वक्त में किस माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकती है, इसको लेकर के उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये तमाम अहम कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने जिक्र भी किया कि आलोचना सुनकर हमें उसमें सुधार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको लेकर के बैठ जाएं कि आलोचना कर कैसे दी, हमें कोशिश ये रखनी चाहिए, गुंजाइश ये रखनी चाहिए कि उसमें सुधार हो सके। और वाकई में जैसे कहा भी गया है कि अगर आप अपनी आलोचनाओं को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं तो आप बेहतर सुधार की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको गर्व है तो होना चाहिए, आज जोधपुर शहर वो शहर बन गया देश के अंदर,
कोई बड़े से बड़ा शहर भी है, जितनी स्वच्छताएं जोधपुर में आई है वो किसी भी बड़े शहर में एक साथ नहीं हो, एक साथ नहीं हो, प्रदेश में हो सकती है, स्टेट में हो सकती है, पर जोधपुर के अंदर IIT का आना, एम्स का आना, लॉ यूनिवर्सिटी का आना, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का आना, कृषि यूनिवर्सिटी का आना, निफ्ट का आना, FDD का आना और यार ये फिनटेक इंस्टीट्यूट का आना। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया मैंने, पहले प्राइवेट वाले ना कॉलेज खोल सकते थे ना कोई यूनिवर्सिटी खोल सकते। हमारे राजस्थान के बच्चे कहीं पुणे में, महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, लड़कियों को भेजते नहीं थे माँ बाप, बहुत कम भेजते। आज राजस्थान के अंदर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन खड़ी हो गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ख्याल मिल गया है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेज, विश्वविद्यालय, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं आपको। शिक्षा स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार का कर्तव्य है कि वो टॉप प्रायोरिटी में रखे उनको। शिक्षा है कि देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी है तो मानव संसाधन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज वो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से जो सपने देखता है वो सपने कामयाब हो सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहे, सुविधाएं मिले सरकार की। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, अभी मैं देख के अंदर स्टार्टअप के बच्चों को क्लासेस देख के आया मैं अंदर, आप कल्पना कीजिए बच्चे जो 20-22-24 साल के हैं क्या गजब का उनके दिमाग है, उनके सपने हैं, उनके इनिशिएटिव है, किस प्रकार उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए अपने अपने, देखते ही बनता है। मुझे गर्व होता है कि हमारे टैलेंट इतना बड़ा है। आप सोच सकते हो कि IT सेक्टर में एक शुरुआत जो हुई थी हमारे कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आज जो अभी स्टार्टअप पॉलिसी की आज मैंने लॉन्च किया है, आप देखेंगे कि हमारी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अंदर हमने रखा है अनुदान देते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी बैकवर्ड है, कोई SC ST के हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देंगे। हम चाहते हैं समाज का हर तबका साधक प्रगति करे, इस सरकार की सोच है।